इस वीडियो में हम समझते हैं यदि आप कार चलाना सीख रहे हैं और या कार चलाना सीखना चाहते हैं तो और बिगनर हैं तो किस तरह से क्या तो सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी कार के फंक्शन को समझना होगा। यानी नो योर कार फर्स्ट ड्राइव द कार, यानी कि कार को ड्राइव करने से पहले कार को समझना होगा कि जैसे स्टेयरिंग व्हील होता है, ये गियर लीवर होता है, ये हैंड ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक भी इसको बोलते हैं, ये MID है जिस पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, और आप यहाँ देख रहे होंगे इधर जो मीटर लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है RPM। RPM इसका मीनिंग है कि जब भी आप गियर बदलते हो या ड्राइव करते हो, फॉरवर्ड चलते हो, बैकवर्ड चलते हो, तो RPM की सुई चलती है। ये कभी भी 2 से ऊपर नहीं जानी चाहिए सेफ ड्राइविंग के लिए। 2 बिगनर के लिए शुरू में ध्यान दें कि 2 से ऊपर ना ले जाएं इसको। इधर स्पीड के लिए मीटर लगा हुआ है। अब हम नीचे समझ लेते हैं। यहाँ 3 पैडल होते हैं। ये वाला जो पैडल है सबसे इधर वाला राइट वाला, ये एक्सीलेटर का पैडल है, इसको एक्सीलेटर पैडल है। ये बीच वाला जो है हमारा ब्रेक पैडल है, और इधर वाला जो है हमारा ये क्लच पैडल है। ठीक है, अब इसके साइड में ये फुट रेस्ट दिया गया है इस पर क्लच, यानी कि जब आप लंबी लॉन्ग ड्राइव करते हो, बार बार आपको क्लच नहीं दबाना है, तो यहाँ रेस्ट के लिए आप अपना पैर रख सकते हैं। बहुत सारे बिगनर कमेंट से पूछते हैं कि हमें कहाँ क्लच को कहाँ पैर रखना चाहिए। तो आप ध्यान दें कि क्लच के लिए आपको इस तरह से पैर रखना चाहिए, ऐसे पैर नहीं रखना क्लच पे, इस तरह से पैर रखना है कि एड़ी आपकी नीचे फ्लोर पर टच रहे और पंजे से क्लच दबाया जाए इस तरह से। ऐसे नहीं, ऐसे भी लग जाएगा, और ये इस तरह से, यहाँ से आप समझ रहे हैं ना कि जब आप क्लच का यूज़ करते हैं, क्लच पैडल का, तो जो आपकी एड़ी है वो नीचे फ्लोर पर होनी चाहिए, और इस तरह से आप पूरा क्लच पैडल दबा के नीचे तक दबा के तब यहाँ से गियर बदलोगे। अभी कार स्टार्ट है तो मैं आपको बताऊंगा कि गियर कैसे बदलते हैं। सबसे शुरू में मैं आपको क्लच से ही बता रहा हूँ। तो क्लच पूरा फ्लोर तक ले जाना है, और बदलने गियर चेंज करने के बाद तब आपको यहाँ से छोड़ना है। ठीक है, अब ये जो 2 पैडल हैं जिसको हम ब्रेक पैडल बोल रहे हैं और एक्सीलेटर पैडल बोल रहे हैं, ये हमारा जो राइट जो लेग है इसी से ही ऑपरेट होते हैं। यानी कि इस तरह से हमें रखना चाहिए कि इसकी एडी इस तरह से होनी चाहिए। यदि हमें ये एक्सीलेटर की रिक्वायरमेंट है तो ये पंजा हमारा एक्सीलेटर पर चला गया, और हमें ब्रेक की रिक्वायरमेंट है तो ब्रेक पे चला गया। यानी इन दोनों के बीच में इनको इस तरह से पोजीशन किया जाता है, इनके पास पास होते हैं, ये नीचे होता है इस तरह से। ठीक है, दूसरी एक और बात ध्यान रखने वाली है, हमेशा हमें ये ध्यान रखना, आप नोटिस भी करोगे कि जब आप क्लच दबाते हो तो आपको एक्सीलेटर छोड़ देना चाहिए, यानी कि एक्सीलेटर नहीं दबाना चाहिए, एक्सीलेटर आपने रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, और जब आप क्लच छोड़ते हो तो उसी के बाद आप यहाँ एक्सीलेटर का पेडल दबाते हो, समझ रहे हैं? यानी कि दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, एक को आप दबाओगे तो दूसरे को उठाओगे, इस तरह से ये काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आप फुटवर्क कार चलाते हुए कैसे करना है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारा, मैंने फुटवर्क की बात बताई थी। अब इसके बाद पार्किंग ब्रेक की बात है। जब ढलान पर हो तो हम इसको, या हम खड़ी करते हैं पार्किंग में, तो इसको हम यहाँ से पुश करके रखते हैं और ऐसे नीचे डाउन कर देते हैं तो खुल जाता है, और इसको ऊपर कर देते हैं तो लग जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे होंगे AC ऑपरेट होती है, ब्लू पे कूल रहता है, और जैसे ही हम इधर कर लेते हैं तो हॉट एयर आती है। ठीक है, ये AC के फंक्शन हैं, आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद मैं 2 मेन लीवर आपको और समझाना चाहता हूँ। जैसे वाइपर का है, इस इधर वाले लीवर को लेते हैं तो ये आगे का वाइपर चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऊपर की तरफ जैसे हम करेंगे तो वो आप ध्यान दोगे वो चल गया है। ठीक है, उसको एक बार छोड़ देंगे, इस तरह से वाइपर शीशे पर चल जाता है। उसके बाद इसमें और 2-3 फंक्शन है, जैसे ऑफ की पोजीशन पे है, हम ऊपर करते हैं तो हल्का मिस्ट, फिर इसको नीचे करते हैं तो इंटरवल के साथ चलता है ये, और नीचे कर देते हैं तो लो स्पीड में चलता है,
और नीचे कर देते हैं तो ये हाई स्पीड में चलने लगता है। इस तरह से आप ये फंक्शन समझ गए होंगे इधर वाले वाइपर के लीवर के, ठीक है। अब हम इधर लाइट वाले लीवर को समझते हैं। तो लाइट वाला लीवर आप यहाँ से देख रहे होंगे, अभी हमारा लाइट जो है ऑफ मोड में है। जैसे हम इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ जो यहाँ ग्रीन लाइट आपको जली हुई दिखाई दे रही होगी, ये ग्रीन लाइट जल गई है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा एक बार और आगे किया है तो हमारी हेडलाइट जल गई है। अब इसको यदि आप ऊपर इसको यदि लीवर को आप नीचे ऐसे कर दोगे तो हाई बीम लाइट जल जाएगी। हाई बीम का साइन है, इस तरह से हाई बीम जल जाएगी। मगर हाई बीम हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। हाई बीम हमें तभी यूज़ करनी चाहिए जब सामने से व्हीकल ना आ रहा हो या हमारा हाईवे या स्ट्रीट पूरी खाली हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ड्राइव हमेशा लो बीम में ही करनी चाहिए। लो बीम के लिए ऐसे हम इसको ऊपर पुश कर देंगे तो लो बीम में आ जाता है। अभी भी लो बीम में सारी लाइटें जली हुई होंगी। आप समझ गए होंगे किस तरह से। अब यदि आपको इसमें इंडिकेटर देना है तो इस तरह से करोगे तो आप ये राइट इंडिकेटर हो गया है, लाइट जले जले अब बीच में आ गया है, और फिर ये ऊपर कर दोगे तो ये लेफ्ट इंडिकेटर हो गया है, ठीक है। तो आप, मैं समझता हूँ ये समझ गए होंगे, मैंने लाइट ऑफ कर दिया है वो इंडिकेटर को पास, यानी कि हमें पास लेने के लिए क्या करना है, इसको ऊपर पुश करना रहता है। ऐसे ऊपर पुश करते हैं दो बार तो आगे से आने वाले व्हीकल से पास लेते हैं, ठीक है। और वो आप इंडिकेटर समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से ये कुछ उससे पहले के टिप। एक और यहाँ आप नीचे देखोगे कि यहाँ बोनेट खोलने के लिए आपको यहाँ दिखाई देगा ये स्विच। इसको आप ऐसे अंदर की तरफ खींचते हो तो बोनेट खुल जाता है, इसको खींचते हो तो यहाँ पेट्रोल के लिए है। इसको ऐसे खींचोगे तो पीछे पेट्रोल वाला खुल जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आप अपनी कार को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। यहाँ जो है आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा ORVM है और उधर का ORVM हमारा वहाँ है, ठीक है। इसको सेट करने के लिए भी यहाँ स्विच दिया गया है, ऑटोमेटिकली सेट होता है। इस ये जब बीच में रहता है इसका मतलब हमें कोई भी ORVM सेट नहीं करना है। अब मैं आपको पास से ले जाके दिखाता हूँ। इस पर लिखा है L और R, यानी कि आपको राइट वाला करना है तो राइट के साइड कीजिए। अब इसको आप इस तरह से चलाएंगे तो ये, यानी कि अपनी साइड खींचेंगे तो ये इससे ऊपर नीचे चलता है ये, और ऐसे चलाएंगे तो आगे इधर, यानी कि चारों डायरेक्शन में वो घूमता है। इसी से यहाँ ये लॉक के अनलॉक लॉक, ये चाइल्ड लॉक है। इसको आप एक बार दबा दोगे तो अब विदाउट ड्राइवर परमिशन कोई भी विंडो नहीं खुलेंगे। यदि बच्चे आपके साथ ड्राइव सफ़र कर रहे हैं जा रहे हैं तो इसको आप हमेशा लगा के रखें। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये ड्राइवर सीट के लिए है, विंडो के ग्लास को ऊपर नीचे ले जाने के लिए है। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर नीचे जा रहा है, और ये राइट बैक विंडो के लिए है, और ये लेफ्ट बैक विंडो के लिए, फ्रंट बैक लेफ्ट विंडो के लिए। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से फंक्शन मैंने आपको बताए हैं। अब दूसरी बात आती है, जब आप कार में बैठते हैं तो कार में बैठने के बाद आपको क्या करना है। हमें सबको गलतफहमी होती है कि जब हम पहला गियर लगा देते हैं, यानी कि हमने पहला गियर लगा दिया है, गियर लगाने के बाद हमने क्लच छोड़ा है, उसके बाद हमें एक्सीलेटर देना है। मगर पहला गियर लगाने पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला गियर में एक्सीलेटर की हमें आवश्यकता नहीं होती है। आप एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, हम यहाँ से एक लीवर होता है उससे अपनी सीट को आगे पीछे कर लेते हैं, ऊपर को दबा के इसको करते हैं तो आगे पीछे, तो कितनी दूरी पर इसको एडजस्ट करें तो आप ये देखेंगे कि आपका पैर क्लच पर जितने आसानी से चला जाए उतनी वहाँ आपको सीट को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ मेरा पैर आसानी से क्लच पर जा रहा है तो मैंने यहाँ ही इसको सेट कर लिया। यहाँ नीचे की साइड जहाँ मेरा हाथ है यहाँ ये लीवर होता है, इसको ऊपर पुश करके आगे पीछे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम गियर बदलते हैं। तो गियर में जैसे मैंने पहला गियर लगाया है, अब गियर लगाने के लिए इस टाइम ये आप देखोगे ये न्यूट्रल पोजीशन में है, यानी कि इधर आप करोगे तो यहाँ से आप फर्स्ट गियर लगा सकते हो, फर्स्ट गियर हुआ है, ठीक है। क्लच हमारा दबा हुआ है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ फिर हमने न्यूट्रल लिया है
और यहाँ हमने पीछे किया है तो सेकंड गियर आ गया, यहाँ सेकंड। अभी हमें कंफ्यूजन रहता है कि कैसे, यानी कि इसको हाथ से आपको ऐसे दबाना है। ये गियर वाला जो लीवर है इसमें ऐसे करोगे, इसमें स्प्रिंग रहता है, इसको आप ऐसे दबाओगे और जब आप आगे की साइड करोगे तो फर्स्ट गियर हो गया। आप इसको फिर आपने न्यूट्रल लिया है और फिर आपने इसको पीछे की तरफ कर दिया है, ऐसे हाथ इस तरह है, ठीक है। सेकंड गियर आ गया है, अब हमने सेकंड गियर में से निकालना है, फिर न्यूट्रल आया और यदि हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे तो ये थर्ड गियर हमारा हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि थर्ड के बाद हम फिर यहाँ फिर न्यूट्रल लिया है और फिर इसके बाद हमने इसको ऐसे ही पुश कर दिया है तो यहाँ हमारा फोर्थ गियर हो गया है। फोर्थ के बाद हम फिफ्थ के लिए क्या करते हैं, फिर हमने न्यूट्रल किया है, फिर अब हमने ऐसे हाथ को रखा है और इधर जितना हो सकता है ऐसे करने के बाद तब हमने ये किया है, ये हमारा फिफ्थ गियर हो गया है। अब फिफ्थ गियर के बाद यदि फिफ्थ गियर क्या कि जब आप 50 की स्पीड से ऊपर होते हैं, यानी कि 50 से ऊपर होते हैं तो आप फिफ्थ गियर लगाएंगे, यदि आप 50 से नीचे चल रहे हैं तो आपको फिफ्थ गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यदि आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स के लिए आप वही करेंगे, इधर की साइड आप अपनी हथेली रख के ऐसे करके यूं करेंगे तो ये हमारा बैक गियर रिवर्स गियर लग गया है और एक बीप की आवाज़ भी आपको सुनाई दी होगी, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये जितने बार आप रिवर्स गियर लगाओगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ हमारा पार्किंग ब्रेक हमने अभी लगाया हुआ था। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे हमने फर्स्ट गियर, ये यहाँ से फर्स्ट गियर लगाया है, पार्किंग ब्रेक को यहाँ दबा के डाउन किया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं फुटवर्क में क्या करूँगा, फुटवर्क में मैं देखूँगा कि मैंने क्लच दबाया हुआ है। अभी मैं एक्सीलेटर से मेरा पैर दूर है और मैं आपको दिखा दूँ, मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ, देखिएगा अब पैर मेरा चलता हुआ दिख रहा है आपको, चल रहा है और यहाँ आपको कार चलती हुई दिखाई देगी, दिख मैंने अभी कोई यहाँ देखिएगा एक्सीलेटर नहीं दबाया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट गियर हमारा जो है कार को उठाने के लिए रहता है, जब हमारी कार थोड़ी चल जाती है तो हमें उसके बाद यानी कि 10 की स्पीड चल रही होती है तो हमें फिर सेकंड गियर कर लेना चाहिए। इतनी बात हमने आपको बताई है।